नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल ऑल इन वन ट्रिक फीके में। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि अगर आप पिक आर्ट एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐड आता है और कोई कोई फॉन्ट या कोई कोई भी मतलब फ़ोटो आपको डाउनलोड करने को बोलता है, डाउनलोड करने पर वो हो नहीं पाता है, उसके लिए पैसा मांगता है पिक आर्ट एप्लीकेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले कि आप फ्री में कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन का। तो इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो को कम से कम 100 लाइक जरूर करना होगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको दो तीन काम करना होगा, अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपसे नहीं हो पाएगा डाउनलोड। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम होगा, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक हैंड का सिंबल दिया होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसे नीला कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रेड कलर का बटन जो दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करना है और साथ में उसके साथ जो यहाँ पर घंटी का आइकन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे जाके यहाँ पर लिख देना है, नीचे सबसे नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पर कमेंट लिखने का ऑप्शन आता है, तो आपको कमेंट में लिखना है, यहाँ पर आपको कमेंट में लिख देना है आपको पिक आर्ट, उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है, तब जाके ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर पाइएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली चलना है आपको क्रोम ब्राउजर में, सिंपली आपको चले जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं जो क्रोम ब्राउजर आपके मोबाइल में होता है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है ALFARIZI, उसके बाद स्लैश देना है, उसके बाद SAN.TK आपको यही टाइप करना है ऐसे। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे सबसे दे दिया है, आप वहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में आ सकते हैं। इसे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों यही वो वेबसाइट है आपके सामने जो दिख रहा है, यही वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात बता दें दोस्तों कि आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में क्रोम ब्राउजर को ऑन कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप साइट ऑन है, आपको इसे ऑन जरूर करना है, नहीं तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद आपको इस वेबसाइट को खोलने के बाद आप जूम कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन देगा सबसे ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है पिक चार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं पिक चार्ट सिंपली टाइप करना है, उसके बाद आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। जैसे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने बहुत सारा पिक चार्ट एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो लेटेस्ट है सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो सबसे लेटेस्ट है, आपको इसी को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से ये इस पिक चार्ट एप्लीकेशन के बारे में बताएगा बहुत सारा, और नीचे आप आइएगा, बहुत नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आइएगा सबसे नीचे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से आएगा, 3-4 लिंक आएगा, तो आपको सबसे फर्स्ट में दिख रहा है यहाँ पर पिक चार्ट फोटो, यहाँ पर जो वर्जन में दिख रहा है, और ये बिल्कुल फ्री है और ये अनलॉक है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक दूसरे वेबसाइट पर लेके जाएगा, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर सेकंड चलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये सेकंड चल रहा है, ये सेकंड चलेगा, उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है। इसमें दोस्तों बार बार आपको क्लिक करके ये दूसरे साइट पे ले जाएगा, लेकिन आपको दूसरे साइट पे जाना नहीं है, हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही आपको डाउनलोड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 सेकंड पूरा होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड नाउ का एक ऑप्शन आएगा, फिर भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा। आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे डाउनलोड होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए तभी जाकर कर पाइएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप से आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से ये किसी दूसरे वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा, तो अगर गेट लिंक डाउनलोड वाला आएगा तभी जाकर ये डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं गेट लिंक का एक ब्लू कलर का छोटा सा दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको डायरेक्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ले जाएगा, नहीं तो ये आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा, तो फिर से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से आपको उसी पे क्लिक करना है जब तक कि डाउनलोड वाला लिंक ना मिले। तो देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड वाला लिंक मिल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ये एप्लीकेशन का डाउनलोड यहाँ पर मिल चुका है जो कि 30 MB का है, यहाँ पर देख सकते हैं पिक आर्ट प्रो वर्जन फ्री अनलॉक, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से 2 बार डाउनलोड कर लिया हुआ है, देख सकते हैं इस पर जैसे आप यहाँ पर ओके कीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी इसमें ऐड देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं पिक आर्ट खोल के, यहाँ पर हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया और इसमें कोई ऐड देखने को नहीं मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्री में यूज होता है और पूरा टोटल चीज़ आपको इसमें फ्री में मिलता है। जैसे किस जो कि प्ले स्टोर से कीजिएगा उसमें आपको जैसे आप अपना सेव कीजिएगा तो वो सेव नहीं होने देगा, उसे बोलेगा परचेज करने को, इसमें कोई चीज़ परचेज नहीं करना है और टोटल चीज़ आपको पिक चार्ट का इसमें एप्लीकेशन का टोटल चीज़ इसमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही एक जानकारी देनी थी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कॉमेंट में जरूर लिखिएगा पिक चार्ट एप्लीकेशन। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।